महिला अपनी समस्या सुनाने के लिए कमिश्नर की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, तो वहीं गाड़ी के सामने अचानक से महिला के आ जाने के चलते अधिकारी हैरान रह गए, जिसके बाद संभागायुक्त ने गाड़ी से उतरकर महिला की समस्या सुनी और उसकी समस्या को दूर करने की बात कही। बताते चले कि महिला अपने खेत में अवैध कब्जे के चलते परेशान है और इसके अलावा महिला ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया है, जिसके तहत वो कमिश्नर के सामने फरियाद लेकर पहुंची और परेशान महिला अपने बच्चे को लेकर सीधे गाड़ी के सामने ही खड़ी हो गई। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मेरी तबीयत भी खराब रही थी, भोपाल की दवाई चल रही, बाहर ले भी रखी हूँ, कोई सब कर मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मेरी तबीयत भी खराब रही थी, भोपाल की दवाई चल रही, बाहर ले भी रखी हूँ, कोई सब कर तो ज्यादा जानकारी के साथ अशोक नगर सहयोगी स्वदेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वदेश, क्या कुछ परेशानी महिला की और क्या कुछ अब इस पर कार्रवाई की जा रही है परेशानियों को सुनने के बाद? जी, यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो यह महिला बादजोपुर तहसील के खजुरिया गांव की रहने वाली है, मुंगावली में इसका निवास है, लेकिन ये कल जब ग्वालियर संभाग आयुक्त करीला बैठक लेने पहुंचे थे अधिकारियों के और बैठक लेके निकल रहे थे, तो यह महिला अपने बच्चों के साथ कमिश्नर की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और उसके बाद कमिश्नर ने उतर के इसकी पीड़ा सुनी, तो इसने न केवल तहसीलदार और एसडीएम पर परेशान करने का आरोप लगाया बल्कि खेती पर भी दबंगों द्वारा जबरन कब्जा की होने की बात कही, जिसके बाद कमिश्नर ने इस महिला की पूरी बात को सुना और उसके बाद अपने नीचे के जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि इस महिला की जमीन से कब्जा हटाया जाए। फिलहाल यदि देखा जाए तो आज इस महिला की जमीन से कब्जा हटाने की अधिकारी बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी कब्जा हटाते हैं या सिर्फ बातों तक सीमित रह जाता है। यदि देखा जाए कल के घटनाक्रम से तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी दिखाई दिया, क्योंकि एक कमिश्नर के आगे महिला रोती हुई नजर आ रही है और उसने एसडीएम और तहसीलदार पर अधिकारियों के सामने आरोप लगाए कि यहाँ से वहां का खेल खिलाया जा रहा है और लगातार हमें बरसों से परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लचरकार प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह से महिला ने अधिकारियों के सामने किस तरह से लापरवाही की बात भी कही है, तो क्या अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई की गई है? फिलहाल कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि उक्त महिला की जमीन से कब्जा हटवाया जाए, तो कमिश्नर ने किसी अधिकारी पर कार्रवाई तो नहीं की है, सिर्फ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त महिला की जमीन से कब्जा हटवाया जाए। फिलहाल आज अधिकारी कब्जा हटाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा पाते हैं या फिर महिला ऐसे ही परेशान होती रहेगी। बिल्कुल, क्या महिला अब किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रही है आश्वासन मिलने के बाद? नहीं, महिला का जो कहना है, महिला का यही कहना है कि हमें तो अधिकारियों से कब्जा, हमारी जो जमीन है उसकी पैतृक जमीन है उस पर उसको अधिकार चाहिए, कब्जा चाहिए, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ कब्जा जमीन पर महिला का मुख्य उद्देश्य है कि हमें जमीन पर अपना कब्जा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्वदेश। तो यहाँ महिला ने कमिश्नर के सामने अपनी पीड़ा बताई, जिसके सुनने के बाद अब आश्वासन दिया कि जल्द ही कब्जा मुक्त कराई जाएगी महिला की जमीन। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मेरी तबीयत भी खराब रही थी, भोपाल की दवाई चल रही, बाहर ले भी।